हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बर्लिन शहर के एक पब को दिखाया जाता है, जहां कैमिला, मिली और सैरोन डिनर कर रही होती है। मिली शिकायत करते हुए कहती है कि यॉर कितनी लकी है जो उसे क्रूज ट्रिप पर जाने का मौका मिला। वहीं सैरोन उसे याद दिलाती है कि यॉर एक वीआईपी की मदद करने के लिए वहां गई है। मिली पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं चुना। कैमिला बताती है उसने सुना है कि वीआईपी के पास एक बच्चा है और वो भी यॉर के शहर सही है, इसलिए उसे चुना गया है। मिली अपनी जेलसी व्यक्त करते हुए कहती है कि वह यहाँ यॉर की चुगली कर रहे हैं और वहाँ यॉर एक फैंसी डिनर कर रही होगी। सीन चेंज होता है। प्रिंसेस लोरेरी पर सिटी हॉल ग्रुप और ग्रेस फैमिली एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वहीं यॉर बहुत ही घबराई हुई थी। मैथ्यू यॉर की कुर्सी को लात मारते हैं और उसे शांत होने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दुश्मन बहुत ही स्मार्ट है, वो ऐसे भीड़ में हमला नहीं करेगा। और रही बात उसके परिवार की, तो उन्हें फर्स्ट क्लास में आने की अनुमति नहीं है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। डिनर के बाद मेंस ड्रिंक करने के लिए निचले डेक पर चले जाते हैं। वहीं यॉर उल्का और ग्रैम को उनके कमरे में वापस ले जाती है। वापस आने के बाद उल्का बताती है कि पूरे दिन खतरे का कोई संकेत नहीं मिला। वहीं यॉर उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि उन्हें फिर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि दुश्मन कहाँ है या उसका प्लान क्या है। यॉर आगे बताती है कि दुश्मन आखिरी मिनट पर भी हमला करने की कोशिश कर सकता है। उल्का पूछती है कि अगर वो सुरक्षित बच निकलने में सफल हो गए तो बाकी सभी लोग क्या करेंगे, जिस पर यॉर उनकी तैयार की गई कवर स्टोरी के बारे में बताती है। फिर उल्का यॉर से पूछती है कि क्या वो अपना मिशन पूरा करने के बाद अपने परिवार से मिलेगी, क्योंकि जहाज तीसरे दिन एक रिजॉर्ट आइलैंड पर रुकेगी। वो सुझाव देती है कि यॉर इसका उपयोग अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कर सकती है, लेकिन यॉर थोड़ी झिझकती है। सीन चेंज होता है और हमें लॉयड और आनिया को दिखाया जाता है, जो कि निचले डेक पर डिनर कर रही होती है। आनिया नोट करती है कि यॉर के बिना डिनर करना कितना अजीब लग रहा है, जिस पर लॉयड भी एग्री करता है। उनके पास में ही फर्सियल, मैथ्यू और दूसरे लोग बार में ड्रिंक पीने के बाद इधर उधर टहल रहे होते हैं। तभी मैथ्यू एक आदमी को उन्हें देखते हुए देख लेता है और वो अपने साथियों को बताता है कि वो बार में कुछ भूल गया है और वो वहाँ से चला जाता है। वो आदमी ग्रुप का पीछा करना जारी रखता है और जब वो आदमी एक कोने के पीछे खड़ा होता है, तो तभी मैथ्यू उस आदमी को रोकता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। उसके चीख को दबाने के लिए वो उसका मुंह बंद कर देता है। मैथ्यू उस आदमी से पूछताछ करने लगता है। वो आदमी बताता है कि दूसरे असासिन्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कौन पहले अपना काम खत्म कर सकता है। आगे वो बताता है कि उसे अपने एक खबरी के जरिए उल्का और उसके कैबिन नंबर के बारे में पता चला। मैथ्यू उस आदमी को मार देता है और उसके लाश को समुद्र में फेंक देता है। मैथ्यू जल्दी से ग्रुप से मिलता है और दूसरों को आराम करने के लिए कहकर फर्सल को अपने साथ कमरे में ले जाता है। मैथ्यू फर्सल को वो सब बताता है जो उसे अभी अभी पता चला है। वो बताता है कि इस जहाज पर बहुत से असासिन्स हैं और उन्हें उल्का और उसके कैबिन नंबर के बारे में सब पता है। दुश्मन का अगले दिन तक का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें यॉर और उल्का को दिखाया जाता है। उल्का रात के लिए कपड़े बदलने का फैसला करती है और तभी डोर पर कोई नॉक करता है। यॉर सोचने लगती है कि अभी कौन हो सकता है। वो पीप होल के जरिए दरवाजे के बाहर देखती है तो उसे एक वेटर दिखाई देता है जो कि रूम सर्विस के लिए आया होता है। तभी उल्का कहती है पर मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। यॉर दरवाजे के पीछे बंदूक की आवाज सुनती है और तभी गोलियां चलने लगती है। यॉर दरवाजे से चली गोलियों से बचते हुए तेजी से उल्का को सुरक्षित जगह पर ले जाती है और उल्का अपने बेटे ग्राम को पकड़ लेती है। वही डोर के बाहर वो असासिन अपना गन रिलोड करता है और डोर खोलने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में मैथ्यू और फर्सल वहाँ पहुँच जाते हैं। मैथ्यू असासिन पर डार्ट से हमला करते हैं जिससे उसे चोट लग जाती है। असासिन अपनी बंदूक मैथ्यू और फर्सल पर तान देता है, लेकिन तभी यॉर दरवाजे के थ्रू अपना वेपन फेंकती है और असासिन के सर को दीवार पर ठोक देती है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद मैथ्यू ग्रुप को बताता है कि उनका प्लान लीक हो गया है और इस जहाज पर बहुत से एनिमीज हैं। वो यॉर से ये कहता है कि वो ग्रुप को सेकंड क्लास सूट के एक खाली कमरे में ले जाए और वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। मैथ्यू यॉर को चेतावनी देता है कि यदि कोई पब्लिक इंसिडेंट होती है तो जहाज पोर्ट पर लौट सकती है, इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए उसे लड़ाई से बचने की सलाह देता है। साथ ही उन्हें खुद को छिपाने के लिए डोमिनो मास्क देता है। डोमिनो मास्क मिलने के बाद यॉर उल्का फर्सल और ग्राम को लेकर सेकंड डेक की ओर निकल जाती है। जहाज के अंदर कहीं खबरी कंफर्म करता है कि सॉटी ग्रे ही उनकी टारगेट है। वो वॉकी टॉकी के जरिए असासिन्स को यह जानकारी भेजता है। दूसरी तरफ एक असासिन अपने साथी असासिन्स को बताता है कि अगर उनके टारगेट का बॉडीगार्ड गार्डन ग्रुप से है तो उसे मारना उतना भी आसान नहीं होगा। वो कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो आगे बताता है कि वो इनाम को समान रूप से बांटेंगे और सभी एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तभी उनमें से एक को यह आइडिया अजीब लगता है और वो सुझाव देता है कि हमें जहाज पर सवार हर एक औरत जिसके पास बच्चा है उसे मार देना चाहिए। तभी एक असासिन तुरंत ही उसे मार देता है, ये कहते हुए कि हम हत्यारे जरूर हैं पर साइकोपैथ्स नहीं, हमारा बिजनेस भरोसे से चलता है। बॉडी को समुद्र में फेंकने के बाद असासिन्स का एक्टिंग लीडर दूसरों को अननेसेसरी अटेंशन ड्रॉ ना करने के लिए कहता है और खबरी से कंफर्म करता है कि वो उनके साथ सभी इन्फॉर्मेशन समान रूप से शेयर करेगा। हॉल से होकर जाते हुए फर्सल कहता है ये मास्क में हम और भी सस्पिशियस दिख रहे हैं। वही और उसे बताती है कि निचले डेक के लॉज पर एक मास्क पार्टी चल
रही है। वहाँ जाते ही हम पार्टी में घुल मिल जाएंगे। योर देखते है कि उनका पीछा किया जा रहा है। वो दूसरों को इसके बारे में बताती है। योर प्लान बनाती है कि उनका पीछा करने वाले व्यक्ति को उनकी मंजिल का पता चलने से पहले ही वे उनकी आंखों से ओझल हो जाएंगे और लॉज की भीड़ में शामिल होते ही वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे। पार्टी में पहुँचते ही योर को दुश्मनों का एहसास हो जाता है। उसे याद आता है कि वो भीड़ में हंगामा नहीं कर सकती। उसे किसी को मारे बिना ही यहाँ से आगे जाना होगा। वो फर्सल के सूट से एक बटन निकाल लेती है। वही पास में खड़ा एक असैसिन उन लोगों पर हमला करने के लिए अपने चेयर से उठता है। योर को बड़ी तेजी से इसका पता चल जाता है। वो उस असैसिन पर बटन से हमला करती है और बटन सीधा जाकर उसके गले पर लगता है। वो असैसिन बेहोश होकर वापस चेयर में बैठ जाता है। तभी एक और असैसिन को उल्का को मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन योर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और ऐसे बिहेव करती है मानो जैसे उसे डांस के लिए इनवाइट किया गया हो। वो उस व्यक्ति को उल्का से दूर ले जाती है और उसके हाथों को कुचलने के लिए आगे बढ़ती है। वो उसे बेहोश कर देती है और उसे एक सीट पर छोड़कर उल्का और फर्सल के पास वापस लौट आती है। आगे वो शॉपिंग एरिया से होते हुए सेकंड क्लास में जाने का फैसला करते हैं। शॉपिंग एरिया में आनिया एक स्केलेटन किचन को देखती है। वो उसे खरीदना चाहती थी पर लॉयड उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। आनिया गुस्सा हो जाती है और उस किचन के लिए जिद करने लगती है। वही लॉयड नोटिस करता है कि इस जहाज पर जगह जगह लिसनिंग डिवाइसेस हैं और स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के अंडरकवर एजेंट्स हैं और साथ ही कहीं सस्पिशियस ग्रुप भी इस जहाज पर है। वो निष्कर्ष निकालता है कि अनवांटेड अटेंशन से बचने के लिए उसे और आनिया को अपने बेस्ट बिहेवियर में रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उनकी बातों को सुना जा रहा हो। लेकिन उसके पीछे आनिया जमीन पर लेटी उस कीचेन के लिए जीत कर रही होती है। लॉयड परेशान हो जाता है ये सोचते हुए कि अगर वो इस कीचेन को नहीं खरीदता है और कहीं स्टेट सिक्योरिटी एजेंट्स को सब कुछ पता चल जाता है तो उसका मिशन फेल हो जाएगा। आनिया अपने पापा के मन की बातों को सुनकर थोड़ी गिल्टी महसूस करने लगती है। तभी अचानक वो एक असैसिन के थॉट्स को सुन लेती है जो अपने लिए इनाम का सारा पैसा लेने का प्लान बना रहा होता है। जैसे ही बनार भी शॉपिंग एरिया से गुजरता है तो वो योर और उसके ग्रुप को देख लेता है और पहले योर को मारने का फैसला करता है। आनिया को एहसास होता है कि उसकी मॉम और असैसिन के बीच लड़ाई होने वाली है। उसे पता है कि योर अपना ध्यान रख सकती है पर उसे डर है कि कहीं योर की असलियत लॉयड के सामने न आ जाए, वरना लॉयड योर को डिवोर्स देकर आनिया को अबैंडन कर देगा। ये सोचकर आनिया घबरा जाती है और सोचने लगती है कि वो क्या करे। इसी बीच लॉयड एक अच्छे और नॉर्मल डैड बनने की कोशिश करते हुए अपने ट्रिप के यादगार के रूप में आनिया के लिए किचन खरीदने का फैसला करता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब आनिया उसे चिल्लाते हुए पीछे रहने को कहती है। वहीं बनार भी योर की ओर बढ़ता है और आनिया उन्हें देख रही होती है। आनिया जानती है कि लॉयड अगर शॉप के बाहर कदम रखेगा तो वो लड़ाई देख लेगा और अगर वो कोई चीख भी सुनता है तो उसके बाहर आने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। आनिया इस स्थिति के बारे में चिंतित होकर उदास चेहरा बना लेती है। वही लॉयड आनिया के एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता और खुद से पूछता है कि आनिया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसे लगता है कहीं आनिया को बुरा तो नहीं लग गया जब उसने शुरू में किचन खरीदने से इनकार कर दिया था। लॉयड याद करता है कि हैंडलर ने उसे इस ट्रिप को भी ऑपरेशन स्ट्रिक्स का हिस्सा मानने के लिए कहा था, जैसे उसे इसके बारे में पहले से पता था। तभी दुकान की एक कर्मचारी लॉयड के पास आती है और उसे सोविनियर के तौर पर कुछ खरीदने के लिए कहती है पर लॉयड मना कर देता है। इतने में आनिया लॉयड से कहती है कि वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा है, जिसके चलते उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि आनिया इंजॉय करे तो उसे भी आनिया के जैसे कपड़े पहनने होंगे। आनिया के शब्दों से प्रेरित होकर लॉयड एक मजेदार और उत्साहित पिता बनने के लिए खुद को अंदर और बाहर से बदलने का फैसला करता है। लॉयड दुकान में मौजूद कपड़ों का हर सामान मंगाता है और चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला जाता है। आनिया सोचती है कि उसका प्लान काम कर गया, अब लॉयड कपड़े पहनने में बिजी हो जाएगा और वो अपनी मॉम की मदद कर पाएगी। आनिया योर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड भेष बदलने में माहिर है। वो सुनती है कि लॉयड ड्रेस चेंज कर चुका है, लेकिन वो लॉयड को अपने पोशाक पर दोबारा काम करने के बारे में सोचते हुए सुनती है और वहाँ से चली जाती है ये सोचते हुए कि लॉयड अभी बिजी होगा। इधर बनार भी ग्रुप के पास से गुजरता है और वो उल्का, ग्रैम, फर्सल और योर के पास से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी वो अपने ब्लेड को तेजी से घुमाता है। वहीं योर भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती है और हमले को टाल देती है और उल्का, ग्रैम और फर्सल को बचा लेती है। योर को एहसास होता है कि ये व्यक्ति बेहद स्ट्रांग है और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या योर उल्का और ग्रैम को बचा पाएगी, क्या आनिया अपनी मॉम की मदद कर पाएगी, या लॉयड को योर की असलियत का पता चल जाएगा, देखते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।